नमस्कार। ये एक दवाई मैंने बनाया है हेयर ग्रोथ करने के लिए। बेसिकली मैं किसी मेरे कोई मित्र है उनको मैं ये दवाई बेसिकली भेजना चाहता हूँ। तो ये अगर आपको भी हेयर लॉस हो रहा है, मतलब कि हेयर फॉल होता है और बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गया है, एक तो बाल पूरा ही उड़ गया, बाल है ही नहीं, नया बाल लेके आना चाहते हैं, जो है वो भी सफ़ेद हो गया है, तो इन दोनों कंडीशन में ये वाला जो दवाई है ये काम करेगा। इसको मैंने कैप्सूल जैसा बनाया था लंबा लंबा, लेकिन अभी बरसात के मौसम में ना इधर धूप ना होने की वजह से मुझे ऐसे छोटे छोटे पीस करना पड़ा। बट जिसको भी मैं ये दूंगा उन्होंने क्या करना है, ऐसे करके उठाना है जैसे मैं ये उठा रहा हूँ, और ऐसे पत्थर में, है ना, पत्थर में, अब ये तो है तो यहाँ पर ऐसे करके इसको रगड़ना है जैसे हम चंदन रगड़ते हैं। थोड़ी देर रगड़ेंगे ना तो यहाँ से निकलेगा इस, ये जो रगड़ने के बाद दवाई यहाँ निकलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा पानी हमें और डालना होगा। तो ये मैंने कई तरीका से इसको करने का प्रयास किया, लेकिन फाइनली वो कभी तो बहुत ज़्यादा सूख जाता है, पाउडर प्रॉपर बनता नहीं, लिक्विड नहीं बनता। अब केमिकल डालेंगे तो फिर तो ले दे करके बात वही हो गया, फिर एलोपैथिक जो केमिकल युक्त हो जाना है वो, हम तो शुद्ध चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने देखा ये सिस्टम, देखिए जरा ये बन गया ना एकदम चंदन जैसा गाढ़ा। बस जब आपने सिर में इसको अप्लाई करना है तो थोड़ा सा पानी डाला और ऐसे ये गाढ़ा एकदम चंदन सा गाढ़ा हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, निकाल करके इसको अपने सिर में अप्लाई करेंगे, बाकी चीज़ें। ये देखिए जरा ये चंदन जैसा निकल गया, ठीक है। अब यहाँ कई प्रकार के जड़ी बूटियों से इसको बनाया गया है, इसको थोड़ा सा मैंने इस हिसाब से बनाया ताकि इसको इस्तेमाल करने में आसान रहे, ठीक है। तो आप इसको मंगा सकते हैं और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये रहा, ये बहुत अच्छा है। एक तो बाल को रोक देता है, जो बाल गिरा हुआ है ना, गिरता है ना, हेयर फॉल होता है, उसको पूरा रोक देता है और नए बाल को निकालता है और सफ़ेद हुए बाल को ये काला करता है। तीन काम करेगा और बहुत बढ़िया करता है ये। और आयुर्वेदिक ग्रंथ में भी इसके ऊपर चर्चा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा नया टैकल लगाया, मतलब एक नया तरीका इसमें इजाद किया है इस तरह से कैप्सूल बनाने का। अब ये क्या है कि हर किसी पेशेंट के लिए आसान रहेगा, थोड़ा पत्थर में इसको रगड़ा, उसके बाद ऐसे जो निकलेगा इसको निकाल करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये है, आप मंगा लीजिएगा अगर आपके भी बाल निकल रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है और सिर में से कई सारे बाल सारे झड़ गए हैं, आप उसको नया निकालना चाहते हैं, तो ये हालांकि आपके लिए अलग सा बनाना पड़ेगा। ये तो मैंने एक पेशेंट के लिए मैंने तैयार किया था, अब ये सूख गया, कल मैं इसको डालने वाला हूँ। मैं कहा चलो डालने से पहले आपको एक तो वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दीजिए विदा, नमस्कार।